एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया रूबी थी। रूबी के पास ऊंचा उड़ान भरने और नई जगहों का खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि रूबी के पंख कमज़ोर थे, जिसके कारण वो अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद रूबी कभी उम्मीद नहीं खोई। वह दूसरे पक्षियों को आकाश में ग्रेसफुल रूप से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वह गहरे अंदाज जाने की योग्यता रखती, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल न खाती हो। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो रूबी को भी साथ ले गया। जैसे वह ऊंचाई पर उठती गई, वह उत्साह और संकल्प का एक आवास महसूस करती है। वह अपने पंख फैलाती और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। चौंकाने के बाद रूबी उड़ने लगती है। ये अन्य पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान तक नहीं होती, लेकिन यह उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वो एक आज़ादी और खुशी फीलिंग महसूस करती है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रूबी की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरित हुआ जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वे खुद को मेहनत और खुद पर विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत देते हैं तो। उस दिन रूबी जंगल में साहस और संकल्प के प्रतीक बन गई। उन्होंने सबको यह सिखाया कि चाहे वे छोटे या कमज़ोर क्यों ना हो, वे आश्चर्यजनक उच्चताओं तक का पहुँच सकते हैं और वे खुद में विश्वास रखें। रूबी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती। सतत परिश्रम, विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता को हासिल कर सकते हैं।